हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। आज दिन के बज गए 3, ब्लॉग कर रही हूँ देर में क्योंकि आज छोटे पप्पीज को डॉक्टर के पास लेकर गई थी और उनके डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर कहता था कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ना इनको थोड़े सूखे एरिया में रखो। तो हमने उनके मोटे मोटे से चदरें बिछा दिए, नीचे प्लास्टिक है, उसके बाद मोटी मोटी 2 चदरें बिछा दिए ताकि वो ना वो सीलन ना हो, कुछ ना हो। हमने सारी केयर कर दी है। देखिए आगे क्या होता है। इंसान होने में और इंसानियत होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक केस आया हरियाणा का, वहाँ पर किसी ने अपनी न्यू बॉर्न गर्ल को ड्रेन में फेंक दिया है और 2 कुत्तों ने वहाँ पर देखा और उन्होंने भौंका और तब जाके उन बच्चों को, बेबी गर्ल को वहाँ से निकाला गया है, सेफ किया गया है। ये कोई वायरल नहीं करेगा। अगर कोई कुत्ते ने काट दिया होता तो वो पोस्ट वायरल होकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। ये ना, अगर वो भी डूब सकते थे ड्रेन में और उनका कुछ नहीं होता। ये कितना भी अपनी जान, अपना केयर सब हम लोगों इंसानों के लिए कर ले, पर इंसान की ना कदर कभी नहीं करेगा। तो इसको भी शेयर करिए। आज वो बच्ची जीवित है तो इन 2 डॉग्स की वजह से जीवित है। तो और उस माँ बाप को क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी पैदा होती गर्ल बेबी को फेंक दिया। उस गर्ल होने में उस बेचारी का क्या कसूर था? कसूर तो उन माँ बाप का था ना, उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था। तो इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। और सलाम करती हूँ मैं उन 2 डॉग्स को जिन्होंने उस बेबी को बचाया। मायरा कैचे कैचे छुए हुए, देखना कंबल के अंदर, कंबल के अंदर लेटी हुई है पर एसी बंद नहीं करने दे रही है। देखो ऐसे कौन चोता है भाई, कंबल हो गया वो, उसको गर्मी लगती है मोटो को। ये देखो मायरू, मायरू देखो, ये देखो। ओके चल सो जा, नहीं डिस्टर्ब कर रही मम्मा। ये दूसरी गली का कुत्ता आ गया तो बस इसने कलेश कर रखे हैं। देखो आ जा रहा आ जा ये दूसरी गली के कुत्ते ने ना कब्जा कर लिया और ये बच्चों को डरा रहा है। अब ये डर डर के ना इधर उधर भाग रहे हैं। सोनी डरा, चलो सोनी खाना खा लो, खाओ। ओए कैसे बर्तन कर रही है, कैसे कर रही है, आगे नहीं खींच रही, बर्तन को खिसका रही है पागल। आओ खा ले। कितने समझदार होते हैं ना ये बच्चे, इन लोगों को समझ नहीं आती। आओ इसके लिए मैंने 4 अंडे अच्छी तरह एक बड़े कटोरे में मैस के रख दिए ताकि कुछ खा ले। पर इस लड़की ने ना इतना दुखी कर रखा है, मुझे पूछो मत, यानी कि आके मैं अंडे खा लूँ। कहाँ जा रही है? दोनों चीज रखी है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रही है। खा ले यार, वो जो खा लेगा सारा खाना फिर। आ कौन है मुझे दिखा, कौन मारता है मैं बताऊंगी तेरे को। आ इधर कटोरे पड़ी है, जा खा ले खा ले ले खा ले खा ले बेटा, यार डरता है ना पूछो मत, खाओ। चलो ये खा रहा था, डर डर के बच्चे खाते हैं, पूछो मत लोगों से, खा ले। वो अकेला बच्चा खा रहे हैं यहाँ पर, चलो खा लो खाना। ये पड़ा तरह तरह खाना ही ले, खा ले खा ले बेटा, ये खा लो, ऊपर पड़ा हुआ खा ले। बस अभी खाने बैठे, कोई पटाखा ना बजा दे, बस खाओ खाओ खाओ, बस यही है ना, पटाखों की वजह से भाग जा रही है, कोई पटाखा बजा दे रहा है। अगर इसे खाने देना तो ये आराम से खा ले। आओ आओ, इसने दूध पहले सारा गिरा दिया है, अब देख कैसे चाट रही है, सारा इसे बर्तन का दूध गिरा दिया है और चाट भी गई है मोटो मेरी। क्या सूंघ रही है पता नहीं जमीन में, ये नहीं कि मैं खा लूं इतना संडा। आ जा खा ले, चना खा ले बेटा, खा ले खाओ खाओ खाओ, जल्दी से खा ले बेटा फिर मैं जाऊं यार। सोनी खा लो, कौन है इधर से जिसको देख के तू डर रही है, चल खाओ।
पता नहीं ये किससे डर रही है, कौन इधर से आया है जो इधर की साइड ही देख रही है ये। नहीं आ देखा ले, कितनी भूखी है छोटी, देखना पता नहीं कौन यहाँ पर खिलाता भी या नहीं खिलाता, पता नहीं। खा ले तो ओए। सारे बच्चे बाहर कैसे कर दिए तुमने, ये देखना सारे बच्चे बाहर आ गए, क्यों आए बेटा, खोज खो जाएंगे। ये देखो सारे बच्चे कैसे बाहर आ गए। यहाँ पर बिस्तर बनाया था किसी ने, सब कुछ निकाल के यहाँ पर ये ठूस दिया ताकि बच्चे यहाँ जा ना पाए और बच्चे बाहर निकाल दें। हम यहाँ पर खाना खिला रहे थे, कल मैंने ये बिस्तर बनाया था ना, लोगों ने देखो इसके अंदर क्या डाल के, फॉर्म डाल के इसका बंद कर दिया और खूब सारा पानी डाल के बिस्तर गीला कर दिया ताकि ये यहाँ पर बैठ ना सके। और इनको बच्चों को देखिए बाहर फेंक दिया, ये देखिए इंसानियत का मरता हुआ रूप। का खाना मैं कहाँ कहाँ लेकर घूम रही हूँ, पर ये लड़की खा नहीं रही है। कल जब मैंने पप्पीज के घर बनाए थे ना, तो एक लेडी ने वहाँ पर पानी, अब कल हम दोबारा बिस्तर बनाएंगे क्योंकि बच्चे अब एक गाड़ी के नीचे रखे हैं। आप सभी को पता है कल ही मैंने इतना सुंदर बिस्तर बनाया था इसका, और हाँ वही बात कर रही थी मैंने, कहीं खाना खा नहीं। अरे यार कौन गधा है, फिर फैल बजा दिया। लोगों को ना इतनी अक्कल नहीं है, पटाखे चला देंगे, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। देख 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 फ़ोन करते करते, लोगों को बिल्कुल ध्यान रखता, फ़ोन करते करते ऐसे चलते रहते हैं और फिर अगर बच्चे के पैर लग गया तो काटे जाएंगे। लोगों को इतनी अक्कल नहीं है, और मैं सोची इतना खा लेगा ना बहुत है, फिर मैं चली जाऊंगी। ये चार अंडे भी खा लेती है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं पटाखों के डर की वजह से ना इधर उधर जा रही है, भूख तो उसे लगी है पर डर के मारे जैसी पटाखा बच जा रहा है भाग जा रही है, इसीलिए लोगों ने अभी दोनों बंदे बच्चे वहाँ बैठे। अभी मैं थोड़ा सा जो खाना बच्चा है मैं वहाँ भी डाल दूँगी, पहले मैं इनको सबको पेट भर के खिला चुकी हूँ, आप उसका खाना वहाँ डाल दिया फिर भी नहीं खाना खा रहा। चलो खा खा ले, ये बैठा है खा ले बेटा, वहाँ जाके खा ले, जा जाओ रखा खाना। इसका ओनर है, ये घर से बाहर निकल आता है और बस ऐसे ही करता है, खाना नहीं खाने देता, किसी भी डॉग को परेशान करता है। ओए 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 वो डर रही है बेचारी, देख कितनी बुरी तरीके से ले आ रहा है। देखना ओनर कितनी बुरी तरीके से उसकी गर्दन पकड़ के बैठा है। ये वही डॉग है जिसको खाना नहीं खाने देता था, बाहर आके खाना खाता था, और अब ये कैसे पकड़ के बैठा। वो भी जब मैं ऊपर से बोला है ना कि सोनी है, तब इसके ओनर ने इसको पकड़ा है, देखो। अदरवाइज ये कुत्तों को, ये डॉग को काटता रहता है, ना खाना खाने देता ना कुछ करने देता। पेट भरा हो तो देखो बच्चे कितने आराम से खेल रहे हैं, तभी कहती हूँ ना इनको कोई टेंशन ना कुछ, सारे इकट्ठे होके रोड पे गेम खेल रहे हैं, पेट भर के खाना खिला दिया करो इनको। गया था और वापस आ गया, देखो नहीं सोनी ने भगा दिया अपने एरिया में, सब बर्तन देख रहा है। हे भगवान, ये वहाँ चला जाए जहाँ मैंने सोनी का खाना रखा हुआ है, काश ये वहाँ जाके खाना खा ले। हे भगवान चला जाए वहाँ जहाँ मैंने सोनी के लिए, ये तो उल्टी जगह चला गया, जहाँ मैंने सोनी के लिए खाना रखा है वहाँ चला जाए भगवान। एक बार ना मैं रात को ना इसको भी दिखा के यहाँ खाना रख दूँगी ताकि रात को ये आके खाना खा ले। कालू रात को देखो कैसे निकल जाता है बाहर को, उसको पता है कहाँ पर खाना मिलता है, वहाँ पर ना दूध रखा होता है और ये वहीं गया हुआ है,
जहाँ देखो वहाँ दूध ख़त्म होगा या फिर कहीं आगे जा रहा है। इनको पता होता है कहाँ कहाँ खाना रखा होता है, ये बच्चे ना वहीं जाते हैं, वहाँ बिस्किट रखे हैं वहाँ जाएगा। देख रहे पता नहीं आज सरदार जी ने वहाँ बिस्किट रखे हैं नहीं रखे, मैंने इसको खाना खिला दिया तो उसके बाद भी रात को निकल के आया। देखिए ये सारे डॉग आ गए हैं, कालू भी बाहर निकल आया। देखो चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।